इंदौर में नगर निगम व पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यहां खजराना क्षेत्र में अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनी पर कार्रवाई कर निर्माण को ध्वस्त किया गया है। अवैध कॉलोनी अफसर पटेल नामक व्यक्ति द्वारा काटी जाना बताया जा रहा है। इंदौर के खजराना क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 40 में अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों पर निगम द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। निगम अधिकारियों का कहना है कि यहां पर चारों ओर से बाउंड्री वॉल कर जमीन पर रोड का निर्माण कर दिया गया था और कई मकान भी खड़े कर दिए गए थे जो कि पूरी तरह से खाली थे। इससे पहले भी यहां पर निगम द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर अवैध निर्माण का कार्य जारी था। शुक्रवार को फिर एक बार निगम ने कार्रवाई कर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। आज यहाँ खजराना में एक अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी। कोई अफसर पटेल हैं, इसके जमीन के मालिक हैं और उन्होंने नगर निगम से बिना किसी प्रकार की अनुमति के इसमें कॉलोनी डेवलप कर रहे थे और ये इसमें पूरे में बाउंड्री वॉल उन्होंने बना ली थी। रोड का निर्माण कर लिया था, दो रोड थी और तीन चार घर भी बने हुए थे जो खाली थी। घर ऐसे घरों को और ऐसे पूरे रोड के और बाउंड्री को सब हम लोगों ने इसको तोड़ा। मतलब पूर्व में भी यहाँ पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है, बार बार कब्जा कर लेते हैं, इन लोगों पे किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? पहले भी हम लोगों ने की थी तो फिर आए थे तो वापस इन्होंने मकान बना लिए थे और अभी फिर वापस हम लोगों ने कराया। अभी से करेंगे तो फिर कार्रवाई करेंगे और जो बाकी कानूनी कार्रवाई होती है वो भी नगर निगम इसको करेगा। एक बार कार्रवाई के बाद फिर से अवैध निर्माण होने पर निगम अधिकारियों के द्वारा न्यायिक कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। मृदुभाषी के लिए इंदौर से चंकी बाजपाई की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।